नमस्कार दोस्तों, नीरज कुमार लोग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एपिसोड के शुरू में नीरज कुमार मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों को पता चल जाए कि नीरज कुमार लोग चैनल का मेरा नाम है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा घर के सुबह के खाने पीने की, कि सुबह में हम ज़्यादातर सुबह के टाइम क्या खाते हैं। आज दोस्तों घर में आलू की चटनी बनी है, और वो चटनी किस तरह से बनाई जाती है ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। क्योंकि आलू की चटनी हम कई बार सुबह के टाइम खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, यह चटनी जो है, आलू उबाल के आप 4-5 आलू उबाल लो और उनको ठंडे कर लो, उनके छिलके जो है छील लो। इसमें जो सामग्री लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7-8 मिर्च ले लो, अगर आप 3-4 मेम्बर हो तो 7-8 मिर्च के अंदर जो है थोड़ा सा धनिया की अच्छी गुच्छी सी ले लो, 8-10 टहनियों की, और टहनियों समेत काट लो, क्योंकि टहनी नहीं असली महक होती है धनिया की। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, नमक, धनिया और हरी मिर्च को कूट लो। चटनी बनाने से पहले दोस्तों, एक बार बेटा मनाली गया हुआ है, मनाली से लद्दाख के रास्ते पे हैं वो, तो एक बार देख लेते हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर चटनी बनाएंगे। तो गाइस, हम 4 लोग हैं, ये वैभव, ये कुलदीप एंड साहिल। दर्शकों, 12 लांचा पास क्रॉस कर लिया है, बहुत अच्छा नज़ारा है, रास्ते में खुले पहाड़ है बिल्कुल। रोड पीछे काफ़ी टूटे हुए थे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं आगे बड़े प्लेन रोड आएंगे। ये रहे अपने सारे भाई। नमस्कार दोस्तों, ये है अगली सुबह जिस पर में कुछ ऐसे थे हमारे टेंट, और ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके पीछे, बिल्कुल बहुत ऊंचे पहाड़ हैं ये। कैमरे में लग रहे होंगे छोटे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, अगर रियल से देखोगे तो पता चलेगा। एंड इस पे देखिए बिल्कुल पत्थर हैं बिल्कुल ये, और इधर थोड़ी हरे हरे इस पे ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। ये रही है हमारी गाड़ी, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यहाँ पर बूफे सिस्टम है कुछ ऐसा, यहाँ पर एक मेन टेंट है, यहाँ पर खाना लगता है। कुछ इस तरह बहुत ही सादा और नॉर्मल खाना है, बहुत मज़ा आया हमें। और कुछ ऐसा था हमारा टेंट, नॉर्मल एक बड़ा बेड है, एक छोटा, और पीछे वॉशरूम है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया टेंट है। तो दोस्तों, वो मनाली में ठीक ठाक घूम रहे हैं, तो आइए अब अपनी चटनी की कार्रवाई शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज आलू की चटनी बनाने का मन था, इसमें ये सोटा है और ये कुंडी है, इसमें 10-12 मिर्च और धनिया की पत्ती, करीब 15-20 धनिया की टहनी इसके अंदर काटी गई, और नमक डाल के पहले इसको कूटा गया, ये सोटे से इसको अच्छी तरह से कूटा गया, और कूटने के बाद इसमें करीब 50 ग्राम के आसपास दही इसमें डली, दही डाल के फिर इसे दोबारा से इस सोटे से जो है घुमा कर रगड़ा गया, तो इस तरह से ये तैयार होगी। देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, और इसको आप ऐसे के ऐसे भी खा सकते हो रोटी पे रख के, लेकिन मैंने इसमें 4 आलू उबले हुए, ये आलू हैं दोस्तों, ये जो पंखे की हवा में ठंडे हो रहे हैं, गर्म थे बहुत, ये काट के यहाँ रख दिए, अब इनको हाथ से बिचोर के और ये चटनी में डाल दिए जाएंगे, और फिर हल्का हल्का
ये बस थोड़ा सा और ठंडे हो जाएं, उसके बाद ये हाथ से इस तरह से इनको पूरा अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा नहीं बिचोरना, मतलब हल्के हल्के आलू मोटे भी होने चाहिए और बिचोर भी जाएं। फिर इसको इस चटनी में डाल कर और इससे हल्का हल्का सा कूटना पड़ेगा। उसके बाद कैसी ये तैयार होगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हमेशा सब्जी खा खा के भी आदमी उठता जाता है, तो सुबह के टाइम चटनी रोटी और लस्सी हो तो यही काफ़ी होता है खाने के लिए सुबह के टाइम। दोपहर में शाम को अपना सब्जी खा लो, दिन में चावल ले लो, इसी तरह का खाना होता है दोस्तों हमारा। ये आलू अब ठंडे हो गए, इसमें मैं ये आलू डाल रहा हूँ। आलू बारीक भी हैं और थोड़े थोड़े मोटे भी हैं, जो खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये दोस्तों चटनी हो, रोटी के ऊपर मक्खन हो और लस्सी का मग्गा हो, अपना खा कर चटनी रोटी और ऊपर से एक मग्गा सीत, और फिर अपना पड़ जाओ अपनी खाट में एक दो घंटा, ऐसी नींद आएगी बहुत बढ़िया। अब इसको दोस्तों आलू को इस तरह से कूटना है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो बिल्कुल ही बड़ी चटनी हो जाएगी, बहुत बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आलू को इस तरीके से कूटना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कूट दिया तो फिर चटनी में स्वाद नहीं आएगा। ये चटनी होगी हमारी रेडी, अब रोटी बन गए बस। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी चटनी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसी लग रही है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त चटनी बनी है। ये इसका बिल्कुल फाइनल टच, इसको आप जो है ऐसे लो, अपनी रोटी को रखो और जो है बहुत ही बढ़िया चटनी। ये देखो, ये देखो दोस्तों, तो यही है हमारा हरियाणा का, गुड़गांव का खान पान। सुबह के टाइम हम चटनी खा के ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तो तीनों टाइम सब्जी खा खा के काम काज कुछ होते नहीं, पेट फूलने लगता है, फिर मज़ा नहीं आता। ये हल्का खाना सुबह सुबह अपना सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। तो दोस्तों अपने मेन गेट के पास बैठ के मैंने आपको चटनी के बारे में ये बात बताई, आपको उम्मीद है चटनी बनानी पसंद आई होगी, तो आप भी अपने घर में ये चटनी बनाएं, अपने घर के मेम्बर्स को खिलाएं। ये चटनी हर किसी को पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है दोस्तों, नीरज कुमार ब्लॉग से अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।